जय श्री कृष्णा। आज एक और महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी लेकर आए हैं जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा सहायता करेगी। लोगों को समझें, कैसे लोगों से व्यवहार रखना चाहिए, कैसे लोगों से व्यवहार नहीं रखना चाहिए, इस बात को अपने जीवन में समझ लेंगे तो कभी आपके घर में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होगी, आपको कभी कोई तकलीफ, कभी कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। देखिए, ऐसे लोग जो आपके जीवन में आते हैं बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर सकते हैं, जिनके विषय में आप समझ नहीं पाए, जिनको आप पहचान नहीं पाए और आपके जीवन में परेशानियां आ गई। कैसे लोगों से संबंध नहीं रखना चाहिए, पहले तो आपको लोगों को उनके पहनावे से समझना चाहिए। बातचीत करना तो दूर की बात है, पहले पहनावे से समझना चाहिए कि कैसे लोगों से व्यवहार नहीं रखना चाहिए। पहली बात, जो व्यक्ति साफ सुथरे कपड़े ना पहनता हो, जिसको देख के आपको लग रहा हो कि ये कुछ व्यवस्थित तरीके से इसका शरीर नहीं दिख रहा है, आपको लगे कि जिसके ऊपर बहुत सारे, ऐसा लग रहा हो कि ये लड़ाई झगड़े करने वाला व्यक्ति हो, जिसके ऊपर कट लगे हुए हो, यहाँ वहां कटा वटा हो, लग रहा हो आपको कि अपराधी किस्म का व्यक्ति है, यहाँ वहां टैटू बनाए हुए हो बहुत सारे, अजीबो गरीब तरीके उसका पहनावा, आपको लगे कि ये जो है व्यक्ति न साफ सुथरा दिख रहा है, ना ये इसका पहनावा वैसा है, ना इसका चलने फिरने का तरीका, अगर आपको लग रहा है कि कोई नशेड़ी टाइप से नशे में दिख रहा हो, कि नशे जैसी बातें कर रहा हो या वैसा लहरा लहरा के बातें करता हो, आपको लग रहा हो कि ये जो व्यक्ति है इसका पहनावा जो है ये दिख रहा है कि ये सही नहीं है, ऐसे व्यक्ति से किसी प्रकार का लेन देन, संबंध, दोस्ती, यारी नहीं रखना चाहिए। ये कभी ना कभी आपके लिए कष्टदायक हो सकता है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति का पहनावा देखकर भी आपको समझना चाहिए। बहुत सारे लोग आजकल फैशन बन गया है, दाढ़ी बढ़ाने लगे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी कर ले तो उनको लगता है कि फैशन है। देखिए, दाढ़ी या तो संत पे शोभा देती है, जो संत महात्मा सन्यासी हो, जिसने सन्यास ले लिया हो, या तो उस पे शोभा देती हो, या फिर जिसके धर्म में रखने का कहा गया हो कि आपको रखना कंपलसरी है, आपको रखना है, ऐसे लोगों पे दाढ़ी शोभा देती है। बाकी जो लोग जिनके ना धर्म के अनुसार, ना उनके पंथ पे ऐसा कहा गया कि आप दाढ़ी रखिए, ना वो सन्यासी हैं, अगर ऐसे लोग दाढ़ी रखते हैं तो ऐसे लोग भी क्रोधी स्वभाव के होते हैं, ऐसे लोग भी जो होते हैं ये दूसरों के लिए खतरा बन सकते हैं। तो ऐसे लोग जो सिर्फ फैशन के चलते दाढ़ी रख लें, या फिर यूं ही बस दाढ़ी बढ़ा लें, और अनावश्यक रूप से, जो ना तो संत हैं वो, ना जिनके धर्म में ऐसे कुछ कहा गया, या ना तो जिन्होंने कोई मान वगैरह रखी हो, बहुत सारे लोग मन्नत रखते हैं, मन्नत के लिए दाढ़ी बढ़ा लेंगे, बाल बढ़ जाते हैं उनके, साफ सफाई से नहीं रहते मन्नत के चलते, ऐसे लोग जो है वो बात अलग है। लेकिन जो लोग बस यूं ही अपने शरीर के बालों को बढ़ाते हैं, साफ सुथरे नहीं रहते, ये लोग भी आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, ये देखा गया अक्सर। ये एक सोच है मात्र, ऐसा जरूरी नहीं है, पर ऐसा एक सोच है मात्र कि ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर ऐसे जो किस्म के जो लोग होते हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि वो अनावश्यक रूप से खुद का ख्याल नहीं रखते, वो तो दूसरों की छोड़ी वो खुद का ख्याल नहीं रखते, क्योंकि वो इन्हीं चीजों में फंसे रहते हैं, वो कभी भी उनका दिमाग जो इस तरफ नहीं चलता कि हमें किस तरह से रहना चाहिए। तो ऐसे लोगों से भी आपको बच के रहना चाहिए जो अनावश्यक रूप से ऐसी चीजें करते हैं। ये लोग आपराधिक प्रवृत्ति के ज्यादा गुस्सैल होते हैं, इनसे आपको कम से कम लेन देन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये लोग गलती होते हैं, नहीं, आपको लेन देन कम करना चाहिए। अगर आप सीधे साधे व्यक्ति हैं तो आपको ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। दूसरे जो लोग होते हैं जिनसे बच के रहना चाहिए आपको, जो बहुत ही ज्यादा हर छोटी छोटी बात पे बहस करते हो, छोटी छोटी मतलब 5-10 रुपए के पीछे भी जो बात बहस करते हो, आपको लगे कि कुछ ज्यादा ही बारीकी से हिसाब किताब की बात करें, ऐसे लोगों से भी दूर रखना चाहिए। ऐसे लोगों से कोई लेन देन, किसी प्रकार की यारी दोस्ती भी नहीं रखना चाहिए। पता चले कि इमरजेंसी में आपके घर में कोई दुर्घटना हो गई, कुछ हो गया और हॉस्पिटल जाने की बात आई, और वो कहे कि भाई 10 रुपए का पेट्रोल जलेगा, 10 रुपए दे दो पहले आप, तो ऐसे लोग मुसीबत में भी फिर काम नहीं आते हैं। तो ऐसे लोगों से भी जो 10-10 रुपए के लिए, 20-20 रुपए के लिए बारीकी दिखाएं, 100-200-500 की जो बारीकी दिखाते हैं, ऐसे लोगों से भी संबंध नहीं रखना चाहिए। ये भी आपके लिए कभी सहायता नहीं करेंगे, बल्कि ये भी आपके लिए हमेशा दुखदायी होंगे। इसके अलावा ऐसे लोग जो कोई काम धंधा ना करते हों, जो लोग नशा करते हों, बस नशा करके यहां वहां घूमना फिरना, हर चीज को मजाक में ले लेना, हर चीज का मजाक उड़ाना, बात बात में गाली देना उनको, आपको लगता हो इनके व्यवहार से कि ये थोड़े चिढ़ैल तरह के व्यक्ति हैं, बात बात पे चिढ़ जाते हैं, इनका व्यवहार जो थोड़ा चिड़पन है इनके व्यवहार में, ऐसे लोग से भी दूर रहना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग आपके घर की समृद्धि देखकर, आपके बसे बसाए परिवार को देखकर भी आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं। और जैसा कि आपने दुनिया में आप समाचार देखते रहते होंगे, आपको घटनाएं मिलती रहती होंगी कि ऐसे लोग जो होते हो बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना दुश्मनी के भी आपका नुकसान कर सकते हैं। जिनका खुद का सब कुछ
बसा बसाया नहीं होता है, जो खुद कुछ नहीं करते हैं वो आपके लिए भी खतरनाक होते हैं, ऐसे लोगों से भी दूरी रखना चाहिए। इसके अलावा ऐसे लोग जिनसे संपत्ति का किसी प्रकार का आपका बंटवारा हुआ हो, कि पहले आपके परिवार में कोई व्यक्ति हो जिससे आपका संपत्ति का बंटवारा हुआ हो और वो आपको लगता है कि ये आपसे खुश नहीं है, इसके मन में आपके लिए किसी प्रकार की कोई बैर है या कोई नफरत है, ऐसे लोगों से भी जितना हो सके दूर रहना चाहिए। दूर रहने का मतलब ये है कि इनसे बहस भी नहीं करना चाहिए, ना आप इनके बारे में कुछ गलत बोलें, ना इनसे बहस करें, ना इनको गाली गलौज करें और ना ही इनकी कहीं जाके निंदा करें। निंदा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि निंदा करने में भी यही होता है कि वो बात उनको पता चलेगी और उनके मन में अगर पहले से आपके लिए नफरत है तो वो दुश्मनी पैदा होती है और कभी ना कभी भी ये लोग भी आपके और आपके परिवार के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए आपके पारिवारिक लोग जिनसे आपका संपत्ति का बंटवारा हुआ और आपको लगता हो कि हमसे नाराज रहते हैं, उनसे जितना हो सके दूरी बना के रहना चाहिए और जितना हो सके हाथ जोड़ के अच्छे ही व्यवहार रखना चाहिए। ऐसे लोगों से भी लड़ाई झगड़े या इनकी निंदा नहीं करना चाहिए, चाहे उन्होंने आपके साथ कितने गंदा व्यवहार किया हो। किसी भी दूसरे व्यक्ति से उसकी निंदा, आपके जिससे आपके हिस्से बांटे हुए हो उसकी निंदा मत करना, क्योंकि लोग मजा लेने के लिए आपकी बात जाके उसको बताएंगे और आपकी दुश्मनी हो जाएगी। कभी भी आप ऐसे स्थान पे जाते हैं जहां पे आप हमेशा नहीं रहते हो, जैसे आप कभी गांव गए या कहीं रिश्तेदारी में गए, कभी भी दूसरे व्यक्ति की निंदा नहीं करना चाहिए। जहां आपको लगता हो कि सामने वाला व्यक्ति जाके बता देगा, निंदा नहीं करना चाहिए, इससे भी आपकी अनचाही दुश्मनी बनती है और फिर लोग आपका बुरा करते हैं। जो लोग पूछते हैं कि भाई हमारे ऊपर तंत्र क्रिया क्यों करते हैं लोग, हमारे ऊपर तंत्र क्रिया किसने कर दी, क्यों कर दी, ऐसा हमने क्या कर दिया, तो वो गलती कहीं ना कहीं आपकी ही होती है कि आप ऐसी बातें करके ही खुद के दुश्मन खड़े कर लेते हैं। लोगों को आप समझते नहीं है, ऐसे लोगों से व्यवहार रखते हैं और फिर वही लोग आपका बुरा करते हैं, तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। तो ये कुछ लोगों का आपको परिचय दिया है कि इस तरह के जो लोग होते हैं इन लोगों से आप जीवन में बच के रहें, सावधान रहें। इन लोगों की निंदा तो दूर की बात है, इनसे जितना हो सके दूरी बना के रखें, और जो रिश्तेदारी में जो हिस्से बांटे वाले वाले लोग होते हैं इनकी तो निंदा, इनसे मिलना जुलना तो आपको पड़ता है, पर इनकी निंदा से बचें, इनसे लड़ाई झगड़े से बचें, तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। तो आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।